एक सीआईपी वाले है, एक सीआईपी के लिए और एक दूध के लिए। ये पैनल की तरफ चलते हैं। स्मार्ट पैनल है ये, हमारा ऑटो और मैनुअल दोनों दिखाया गया है। ये आपका कंप्रेसर का है, ये एजिटेटर का है और ये मैनुअल का है। अगर मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मैनुअल भी हम इसको चला सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको ऑटो पे चलाऊंगा और एजिटेटर को भी मैं ऑटो पे चलाऊंगा। इसको बीच में रखो इसको, ठीक है। ये हमारी डिस्प्ले आ गई है, टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री पे सेट है, ठीक है, और 4 डिग्री है। और आपका ये वोल्टेज दिखाया गया है 242। एजिटेटर अभी ऑफ है, फिलहाल चार पे आया हुआ है, चार टेम्परेचर पे आया हुआ तो ऑटोमेटिक बंद है। अभी करीबन इसमें टाइमिंग 1 घंटे में हमारा ये 4 डिग्री आ गया था। ये 3 फेज हमारा एजिटेटर भी अभी चल रहा है। एजिटेटर ऊपर से देखिए आप, वो शाफ्ट रनिंग कर रही है, रोटेट हो रही है। देख लिए, थोड़ा मैं पास जाके दिखा देता हूँ। और हमारे इस पैनल में आपका ये देखिए, ये एजिटेटर ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये ऑटो मोड पे चला हुआ है और ये एजिटेटर ऑन एक एक दिखा रहा, मतलब यानी कि दोनों आपका एक मिनट पे चलेगा, एक मिनट बंद रहेगा। तो ये पूरा कंप्लीट 3000 लीटर का बीएमसी है, इसमें 5 और 8 टन के कंप्रेसर लगे हुए हैं। आप देख लीजिए सामने से, ये ऐसा दिखेगा आपको। इसमें पूरी कंप्लीट लाइनें सीआईपी से लेकर आपका ओवरऑल सीआईपी बैलेंस टैंक सेंट्रीफ्यूगल पंप, मतलब ओवरऑल असेंबली इसमें लगी हुई है। ये आप देख सकते हो, ये सारी असेंबली फोल्डेबल है। आप ये यहाँ से अनफोल्ड होके जाएगी और वहाँ जाके इंस्टॉल हो जाएगी। ये पूरा इंस्टॉल होके दिखाया गया है। और इसमें हमने एक पोर्शन ये और दिया हुआ है, यहाँ से आप ये 3-way वाल के थ्रू आउटलेट यहाँ से मिल्क ले सकते हो। अगर किसी आपको टैंक में चाहिए या कहीं पर भी चाहिए तो यहाँ इसके थ्रू आपका चला जाएगा। ये आपका 1 HP की मोटर है, ये मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। बैलेंस टैंक है, ये हीटिंग टैंक है। दोबारा दूसरी तरफ से ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका कंट्रोल करने के ये हीटिंग टैंक का आप कंट्रोल पैनल फिर से देख लीजिए, मैंने पहले भी बताया इसके बारे में। ये आपका थर्मोस्टेट है, ये आपका ऑन ऑफ स्विच है और ये हमारा भी ऑफ है। जैसे इसको इस तरफ करेंगे तो ये ऑटो हो गया, ठीक है। इसमें भी रेड बत्ती चलेगी, जैसे आपने लाइन दिया तो यहाँ पर रेड बत्ती चलेगी, मतलब कि आपका लाइन आ रहा है। इसको एक नंबर पर कर देंगे तो ऑटो स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जितना टेम्परेचर आपको चाहिए उतने भी आपने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद जैसे हीटर ऑन होंगे तो यहाँ पे ये येलो बत्ती जल जाएगी। और ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, इसके थ्रू आपका ये हीटिंग एलिमेंट लगे हुए अंदर। और ये टेम्परेचर सेंसर आपका इधर, ये ऑटोमेटिक जितने टेम्परेचर आपका उतने पे ऑटो कट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जब टैंक खाली हो जाए और उसको क्लीन करने के पर्पज से इसमें हॉट वाटर और थोड़ा सा आप कास्टिक सोडा डाल के इसको वॉश कर सकते हो।